सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे होलास्टक जो कि प्रारंभ हो रहे हैं 27 फरवरी से और 6 मार्च तक ही चलेंगे, क्योंकि होलास्टक जब लग जाता है तो ये फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होता है और होलिका दहन तक चलता है, क्योंकि जिस दिन होलिका दहन होता है उस दिन से ये समाप्त हो जाता है और इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। मगर कुछ राज्यों में है कि शुभ कार्य किए जाते हैं, मतलब वहाँ इनकी मनाही नहीं है, मगर कुछ राज्यों में जो है 8 दिन तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि सभी ग्रह तो नवग्रह अस्त होते हैं और रुद्र अवस्था में रहते हैं और ये सभी ग्रह जो है अस्त होकर अशुभ फल देते हैं। इस दौरान जो है शादी सगाई मुंडन गृह प्रवेश नया वाहन खरीदना नया व्यापार शुरू करना नया घर खरीदना जैसे आदि कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि इन 8 दिनों में जो है इन 8 दिनों को किसी भी शुभ काम के लिए अच्छा नहीं कहा गया है। एक तो कहते हैं कि इस दिन ग्रह जो है अपने उग्र अवस्था में रहते हैं, जैसे अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु, ये ग्रह जो है अपनी उग्र अवस्था में रहते हैं और बुरा फल प्रदान करते हैं। इसलिए कहते हैं कि इन 8 दिनों को बिल्कुल भी सही नहीं कहा गया है। और दूसरा एक और है इसमें तथ्य है कि ये 8 दिन वह है जिसमें हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को कठोर यातनाएं दी थी, क्योंकि प्रहलाद ने जो है 8 दिनों तक भगवान विष्णु जी की कठिन भक्ति की थी और जिस दिन पूर्णिमा थी उस दिन पूर्णिमा के दिन होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई थी ताकि प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए, मगर श्री हरि की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई थी। तो तब से ही ये 8 दिन बुराई पर अच्छाई का प्रतीक के रूप में मनाए जाते हैं। कहते हैं इन 8 दिनों में सभी को भगवान की बहुत भक्ति करनी चाहिए। और एक बात और इसमें कि जो ये प्रेम के देवता हैं कामदेव, इन्होंने भगवान शंकर जी की जो है तपस्या को भंग कर दिया था, तो शंकर जी ने जो है फाल्गुन की अष्टमी तिथि को ही इन्हें भस्म किया था। तो जब ये भस्म हो गए थे तो कामदेव जी की पत्नी ने 8 दिनों तक भोलेनाथ से कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिससे भगवान शंकर जी ने स्वीकार किया था और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके पति को जीवित कर दिया था। यानी कि कामदेव की जो पति पत्नी थी रति, उन्होंने तपस्या की थी तो कामदेव को इन्होंने जीवित कर दिया था। तो ये 8 दिन इसलिए भी माने जाते हैं, इसलिए इन 8 दिनों में जो है किसी भी शुभ काम को करने की मनाही कही गई है। कहते हैं इस 8 दिनों में कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए और जैसे मैंने बताया शादी सगाई मुंडन गृह प्रवेश नया वाहन आदि खरीदने जैसे ये सभी जो कार्य हैं इनको नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन दिनों जो है ग्रह उग्र अवस्था में होते हैं और पूर्ण रूप से फल नहीं देते। और जिस दिन ये होलिका दहन हो जाता है उसी दिन जो है ये होलास्टक समाप्त हो जाता है। तो ये था होलास्टक के बारे में जो आज आप लोगों ने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर भी कर दें ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।